एक डिश आपके हस्बैंड के लिए डेडिकेटेड, क्या है? राज कचौरी. संजोती आई वांट टू ईट राज इन अ कचौरी. विल दिस कचौरी कम विद अ मास्क? मैम ले गए आज आप ले गए आउट ऑफ टेन मैम. आज आप ले गए. लेट मी जस्ट बर्स्ट योर भटूरा. आज संडे ब्रंच का तापमान काफी इंक्रीज होने वाला है बिकॉज़ आई एम गोइंग टू बी जॉइंड बाय टू सेंसेशनल लेडीज. वन हु हैज मेड हर मार्क इन बॉलीवुड ऑन हर ओन टर्म्स एंड टू इज क्वाइट लिटरली द क्वीन ऑफ सोशल मीडिया मेकिंग हर वे टू बॉलीवुड. जॉइनिंग मी टुडे ऑन संडे ब्रंच इज शिल्पा शेट्टी एंड खुशा कपिला. Now that I have such beautiful people joining me on the show, मुझे भी तो अपना beauty game strong रखना होगा. Sugar है. शिल्पा, हाय खुशा, वेलकम टू कर्ली टेल्स, वेलकम वंस अगेन टू संडे ब्रंच. आई नो, आई एंजॉय दिस. आई रियली एंजॉय वाचिंग योर वीडियोस. या, आई लव व्हाट यू डू. आई थिंक यू वन ऑफ दोस फर्स्ट इन्फ्लुएंसर्स दैट स्टार्टेड डूइंग समथिंग डिफरेंट. थैंक यू, आई एम सो ग्लैड. डेनिम साड़ी यार, ये तो पहली बार. कूल ना यार, दिस इज सुपर कूल. ओनली फॉर यू बेबी. थैंक यू सो मच. स्पेशल आउटफिट इस शो के लिए. आपका शो इतना चलता है ये मुझे पता है कि आपके जरिए ये मेरा जो फैशन है ये लोगों तक पहुंचेगा. एब्सोल्युटली. मैंने आपका ट्रेलर देखा. इट्स सो मच अबाउट फ्रेंडशिप एंड यू नो रीयूनाइटिंग विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. And would you agree कि असली दोस्ती बचपन में ही होती है? इनको इतनी अच्छी दोस्त मिली है. हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा है. I think हम अच्छा, आप अपने बारे में बात कर रहे थे. हाँ, पिक्चर में मुझे बहुत अच्छी दोस्ती है. इसके बाद इसके पास वक्त कहाँ है? हर फोन नीड्स टू बी सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम आवर हैंड. आई नो, मतलब अब निकाला है. ऐसे घुसी होती है फोन में. उसके पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है. आई एम अ मॉम. और एक वो भी होता है ना व्हाट्सएप ग्रुप सारी मॉम्स का. कितने यार, कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स है यार. एक तो आई हैव टू चिल्ड्रन, सो इमेजिन व्हाट माय व्हाट्सएप ग्रुप्स आर. एक तो स्कूल का ग्रुप, फिर एवरी एक्टिविटी का ग्रुप, फुटबॉल, पार्कौर, जिमनास्टिक्स. मैं पागल हो गई हूँ यार. हाउ एक्टिव आर यू इन दोज व्हाट्सएप ग्रुप्स? समटाइम्स यू नो आई वॉन्ट टू किल दीज मदर्स. लिसन, समटाइम्स आई एम इन अ शिफ्ट. And there is, you know, you suddenly see your phone beeping, beep, 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 beep. You're in a shot. आप अपना काम किसी और को भी नहीं दे सकते कि जाओ मेरा काम करके आ जाओ. So then lunch break में मैं देखती हूँ और ये 100 messages. तो जाओ. तो जब तक आप जवाब देने जाते हो और 5-6 आ जाते हैं. तो यू डोंट नो फ्रॉम वेयर टू बिगिन, वेयर टू एंड. तो फिर मैं वेट करती हूँ कि अगले दिन मैं जवाब दूंगी. तब तक उनको हल मिल चुका होता है. We were talking about Sunday binging. आपने देखे इनके videos? क्यों नहीं देखे? मैं इनसे आज पूछा, मैंने उनसे कि आप उसमें से कितना खाते हैं मुझे ये बताइए. मैं जो ये खाती हैं कैसे हैं, उसमें बहुत मेरी बहुत दिलचस्पी है. नहीं, मैंने पिछली बार पूछा था, उन्होंने मुझे गरम पानी और अदरक पिला दिया. वो तो स्टार्टर है यार. हाँ, बेस बनाना पड़ता है. नो, शी सेड शी फिनिशेस 70% ऑफ इट. शी हैज सीन मी ईट. आई हैव ईटन. शी हैज अ रेस्टोरेंट आल्सो. या, आई हैव टू ईट. But it's very hard. मैं बहुत excitedly जाती थी पहले tastings के लिए. फिर मैंने realize किया यार, once on the lip, forever on the lip. That's a good one. So like dessert and all. Now I, after all the tastings, the end, yeah. I will go and I'll say, अरे वाह, बहुत अच्छा वाला है ये तो. तो आजकल current favorite क्या है आपका खाने पीने में? मेरा timeless favorite हमेशा से गरम गरम जो जलेबियाँ बनती हैं और अच्छा, मतलब बिना कॉर्नफ्लावर का जो रबड़ी बनाते हैं, रियल काइंड ऑफ रबड़ी, यू नो, जो आगरा में मिलता है, दिल्ली साइड में मिलता है, वो वाली रबड़ी. ज्यादा मीठा भी नहीं हो. या ठंडी कुल्फी, और वो पांच किस्म के कुल्फी एक के ऊपर एक लेयर बना के ऐसे डालते हैं ना फलूदा के साथ.
सारी नॉर्थ इंडियन चीजें हैं बता रही है ना, ऊपर से हैं। अब शुरू हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कुशा ने आज बोला है सबके मुंह में पानी आ गया। हमारे हमारे गल्ले की बातें कर रही है। कुशा ने आज बोला कि आज वो मुंबई वर्सेस दिल्ली का डिबेट में नहीं पार्टिसिपेट करने वाली है। हां, बिकॉज़ मुंबई में मुंबई का खाना खाओ, दिल्ली में दिल्ली का खाना खाओ, दोनों जगह बहुत अच्छा खाना मिलता है। और उसने मान लिया कि मुंबई का खाना ज्यादा अच्छा है दिल्ली के खाने से। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये दिल्ली वालों से, दिल्ली में दिल्ली की आइटम खाओ, मुंबई में मुंबई की आइटम। तो तुम हो क्या? नहीं, दिल्ली वाली आइटम, मुंबई वाली आइटम। आज मैं दोनों जगह पे बन सकती हूं। अब सीख गई है खुशा, सीख गई है कैसे पॉलिटिकली करेक्ट होना है, डिप्लोमेटिक। मैं जाऊंगी तो मैं अपना फेवरेट वहां पे अपना मोमो खाती हूं, मैं अपने फेवरेट छोले भटूरे खाती हूं। वन मिनट, मोमोज आर नॉट फ्रॉम दिल्ली। ऑफ कोर्स आर नॉट फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में बेटर मिल रहे हैं अभी, पर वड़ा पाव जैसे मुंबई में बेटर मिल रहा है। सेव पूरी, वड़ा पाव सिर्फ मुंबई में ही अच्छा मिलता है। वही वही मैं कह रही हूँ, मैं आई अग्री विद यू दैट यस, वड़ा पाव इज बेटर इन मुंबई। तो मुंबई आके वड़ा पाव खाओ, मुंबई आके छोले भटूरे मत ढूंढो, दिल्ली जाके खाओ। हम आपको छोले भटूरे यहाँ के खिला यहाँ खिलाएंगे आज, और आप खाकर बताओ आज कैसा लगता है। तो आज हम क्रीम सेंटर में है, इट्स अ रियली नाइस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। आई एम एक्साइटेड। यहाँ के छोले भटूरे बहुत फेमस है। वाओ, चीजी नाचोस, पाव भाजी, पाव भाजी, ओके ओके, बटर मक्खन मार के। हाँ, और एक डिश आपके हस्बैंड के लिए डेडिकेटेड, क्या है? राज कचौरी। व्हाई? आई डोंट थिंक आई वांट टू ईट राज इन अ कचौरी। नाम ले गए, हम ले गए, आज आप ले गए, आज ले गए, अच्छा लगा, ले गए आप, आउट ऑफ 10 मैम, आज आप ले गए। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, कुशा कपिला के नहीं, साथ बैठ के मैंने उससे बेटर जॉक्स मारा है। पैसे उड़ाए गए हैं आप पर। आई विल नॉट इवन अटेम्प्ट। मैं राज को कचौड़ी में नहीं खाना चाहूंगी, को टॉप नहीं किया जा सकता। वी विल लेट्स अग्री दिस इज अ हाईलाइट ऑफ दिस। बट विल दिस कचौड़ी कम विद अ मास्क मैम। लेट्स बिगिन द संडे ब्रंच। अरे बाप रे, ये प्रेशर चाहिए था ना इसमें कैमरा। हैया, ये किसने खत्म करना है? ये इतना बड़ा भटूरा पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। ओह लवली मैम, करें जिनको लगता है कि सुखी सिर्फ एक वुमन सेंट्रिक फिल्म है और बड़ी बोरिंग होगी और प्रीचे होगी, लेट मी जस्ट बर्स्ट योर भटूरा। बड़ा मजा आया हमें। अरे टिश्यू दे दो, आई हैव एन इशू। राज कचौड़ी तो आपने खाई होगी कितनी? इट दिस साउंड्स रॉन्ग नाउ। हमारे साथ भी शेयर करो। बिल्कुल नहीं, ये मेरा राज है। मेरा ही राज चलेगा। इसका नाम हम आज से राहुल कचौड़ी भी रख सकते हैं। फेवरेट मेरे घर पे आती है हर हफ्ते राज कचौड़ी। बहुत ही बढ़िया आइटम है और हम खाते हैं वहाँ पे या तो बीकानेर वाला की या हल्दीराम की, क्योंकि उनकी बेस्ट रहती है। ऑब्वियसली अगर आप बाहर निकलेंगे तो बहुत जगहें और है लोकल जहाँ पे मिलती हैं, पर अगर घर पे खानी है तो दिल्ली में तो हम वहीं से मंगवाते हैं। तुम लोग बातों करते रहो। तो हमारी फिल्म में हमारा रीयूनियन होता है तो हम एक ट्रेल पे, हाँ फूड ट्रेल पे जाते हैं सारी फ्रेंड्स। उसमें एक सीक्वेंस में हमें छोले भटूरे खाने थे। तो उस दिन मैं आई कि मैं ग्लूटेन नहीं खाती हूँ, मैं कार्ब्स नहीं खाती हूँ, एंड यू नो आई हैव शिल्पा शेट्टी विद मी हु हैज नॉट सेड एनीथिंग लाइक दैट, बट बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू लाइक काम काम, आई एम ट्राइंग टू लुक गुड, सो आई एम लाइक मैं कुछ नहीं खाती हूँ। एंड देन मैंने मतलब आई जस्ट स्निफ्ड द छोले भटूरे एंड आई वाज लाइक ये वेंडर दिल्ली से है। क्योंकि मैंने कहा क्योंकि यहाँ इन छोले भटूरों में से दिल्ली की खुशबू आ रही है, लाइक ये दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। एंड देन जैसे ही वो भटूरा मेरे पास आया मैं खाई, जो टूट पड़ी है, शी वाज लाइक ग्लूटेन फ्री, नो कार्ब्स, व्हाट हैपेंड? आई वाज लाइक ये दिल्ली से है, ये दिल्ली का बंदा है, हाउ कैन आई, इट्स डिसरिस्पेक्ट। जैसे मुंबई वालों के लिए पाव भाजी है ना, बिल्कुल यू शुड हैव सम पाव भाजी। डालूं आपके लिए? बिल्कुल डालिए। यू नो मैं चेंबूर में रहती थी
सदगुरु की बात बताने वाले हो, मैं भी चेंबूर से पता है ना। ओह माय गॉड, सदगुरु पाव भाजी यार, और वो जो सीताफल वाला मिल्क शेक बनाते थे। ओह माय गॉड, आपकी बहन को मैं वहां लेकर गई थी, आई डोंट नो आपने वो एपिसोड देखा है या नहीं। एंड शमिता एंड आई स्पेंड द एंटायर डे, वी वेंट टू सेंट एंथनीज, वी वेंट टू सदगुरु, वी हैड द मिल्क शेक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। आई वांट टू टेक यू आल्सो, दैट इज असली मुंबई, दैट इज असली मुंबई। डिड यू आल्सो सीता सीताफल की व्हाट सीताफल मिल्क शेक, व्हाट? यस, इट्स इनसेन, बड़े-बड़े पीसेस मिलते हैं उसके। मुंबई ऑब्सेशन विद सीताफल इज लाइक जस्ट अमेजिंग। आइसक्रीम बन चुकी है उसका, मिल्क शेक बनता है उसकी, कुछ अलग से क्रीम मिलती है। देयर इज सम हाजी अली जूस सेंटर, यहां पे सिर्फ क्रीम मिलती है, व्हिच इज दे जस्ट सेंड यू क्रीम ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, एंड आई वाज लाइक ये कुछ अलग है, ये दिल्ली में नहीं मिल रहा है। आई शुड नॉट बी ईटिंग दिस, आई नेवर ईट फूड लाइक दिस, बट या बट गो फॉर इट, दिस यू विल नॉट रिग्रेट, आई एम टेलिंग यू। द पाव भाजी, नो नो, टुमारो। अच्छा, मैं यम्मी, इट इज सो गुड, आई पेयर इट विद पाव यार, पाव। अच्छा, वो खा रहे हो आप ये? नहीं नहीं, मैं तो खा ही रही हूं, बट यम्मी। तो मैं कोई मुंबई के वर्ड्स बताऊंगी, यू सो डिस्ट्रैक्टेड, मतलब क्या खाना है आपको? सॉरी, खाना मेरे सामने रखा हुआ है। पानी पूरी जरा टेस्ट करते हैं। हां, पानी पूरी टेस्ट करते हैं। मेरे लिए गेम है पानी पूरी के लिए, यू हैव टू अर्न योर पानी पूरी। सो शिल्पा, बिफोर यू हैव दैट पानी पूरी, मैं कोई दिल्ली का एक वर्ड आपको बोलूंगी, स्लैंग। अच्छा। आपको मुझे बताना है उसका मतलब क्या है, ठीक है? भसड़, रायता फैला रही हो, समथिंग लगा। हां ठीक है, करेक्ट है। हां मतलब ये अप्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, यू हैव टू, हां से आपका, हां ओके, चलो यू कैन हैव योर पानी पूरी, नो प्रॉब्लम, अप्रूव। आई हैव टू अर्न माय पानी पूरी, मतलब हद है यार। पांडू, मेरे को एक्चुअली नहीं पता। पांडू, पांडू इज समबडी हुज भोला। कॉप, कॉप कर रहा है। सो बैड, आई डिड नॉट वांट टू आंसर दिस। आई बोल, ये बोल सकते हैं? ओ रगड़ा, वी हैड रगड़ा, ओ माय गॉड, बहुत कम लोग इसके साथ सर्व करते हैं। व्हाट इज रगड़ा? रगड़ा, सी यू नो, यू कैन, द फिलिंग ऑफ अ पानी पूरी तीन टाइप के होते हैं, कुछ जो चीप एंड इजी बनाना चाहते हैं आलू के साथ, कुछ जो प्रोटीन रिच बनाना चाहते हैं मूंग के साथ, और फिर रगड़ा इज द रियल डील। व्हाट इज रगड़ा? आई हैव ऑलवेज, आई डोंट नो व्हाट रगड़ा पैटी इज। दिल्ली वालों ने ये तीनों को रिजेक्ट किया, उनके अपने गोलगप्पे हैं। तो तुम लोग अपने गोलगप्पे, पता नहीं कौन से दिल्ली वालों की बात कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आई एक्चुअली एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ फूड, आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज समबडी हु डज नॉट एक्सेप्ट। इन फैक्ट आई विल हैव इट राइट नाउ। यस, एंड दिस इज हाउ इट्स मेड, यू पुट द रगड़ा एंड देन यू पुट द मीठी चटनी एंड देन यू हैव इट। ये रगड़ा, ये पैसा वसूल है। ओके, रगड़ा डाल दिया, और रगड़ा नहीं होता है वो, रगड़ा होता है, रगड़ा यार। हां हां, अच्छा चलो, और ये मीठी चटनी। ओके, थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट, सॉल्ट कहते हैं इसको हम। व्हाट रबिश, सॉल्ट इज ड्राई जिंजर। नो नो, सॉल्ट इज मीठी चटनी इन दिल्ली, इन दिल्ली। ओह रियली? ये मैं भी दिल्ली को कुछ भी बोलने लग गई हूं। चलो, दिल्ली अप्रूव। मैं कौन होती हूँ अप्रूव करने वाली? दिल्ली वाली। समथिंग वाज वेरी टेस्टी, आई डोंट नो, रगड़ा वाज सो गुड। आप बताओ शिल्पा, व्हाट इज थुल्ला? थुल्ला, 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 जो जो वेला हो। नो, आई डोंट नो व्हाट थुल्ला। कम क्लोज, कम क्लोज टू वेयर आई वाज लास्ट टाइम। वेयर क्लोज टू वेयर? Pandra. But what I said last? What? My answer. For Pandu. Police on me? Yeah. Call it Chulla. Chulle kade. Oh, really? I don't see. This is what they use. Okay? I am not saying that this is what we should say. Say. Correct. Very correct. Bad. We should actually ask them, how do they like these slangs? If they're okay with this or not. Yeah, they'll comment and they'll tell us. Yeah. Theek hai? Acha, Shilpa. Tota. Tota is hot. Hot. Tota. Tota. Tote. Tota. Tote, tote. Okay. Chava. How is it easy? I have no idea what a chava is. I also don't know what a chava is. Chava. Chabi? Chava. Ye mera chava hai. Ye mera kya wo hai? Kya? Matlab, she's doing ye mera chava hai. She's done this here. No, no, not here. Yeah. Not here. Like, ye mera chava hai. Ye mera partner hai? My boyfriend. 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 Boyfriend.
मेरी फ्रेंड बड़ी टोप है. ये पता है आप मुंबई से हो ना, तो आप दिल्ली स्लैंग भी मुंबई स्लैंग में टोप कुछ नहीं होता है, टोप होता है, टोप टोप कैनन कैनन. ओके ओके, तो मेरी आई लव दिस, मेरी फ्रेंड टोप है. टोप है भाई, टोप है. आपको पता है क्या है टोप? कैनन. कोई अलग शब्दकोश से आया है. देखो पहले तो वो टोप था, अभी अभी खुशाने. अच्छा टोप से याद आया, ये टोप छोले का मेरे घर पे भेज दो. ये टोप है छोले. I agree. We call top. Top मतलब ये जो है ना, ये dish. जो लगा top है वो. उसको हम बोलते हैं इस बर्तन को. बर्तन. It's top. शिल्पा कुशा, we are going to play a fun game which is called Sugar or Spice, presented by Sugar Cosmetics. I'm going to give you a few choices. Pick one. Sugar or spice? Spice. Sugar. छोले भटूरे और पाव भाजी. पाव भाजी. पाव भाजी. Gluten free पाव. Or maybe sourdough pav. Hey, hello. It doesn't count. अभी मिलता है. कहाँ मिलता है gluten? ऐसे मैंने भी लिखा हुआ होता है. Last time पाव भाजी बनाई थी घर पे, मैंने gluten free पाव मंगवाया था. तुम बोलो, कामिया मैं हाजिर कर दूँगी. आज दो लादी please. दो लादी? You know what लादी is? क्या लादी? पाव की लादी होती है. माने? यह ले एक लादी में छह पाव आते हैं. ये नहीं समझेगी. Gloss lipstick or matte? Gloss. Gloss. Smoky eyes or winged liner? Winged liner. Smoky. Career or family? Oh, family. But we are lucky we have both. We have both, yeah. Of course. Coffee or tea? Chai. Coffee. Books or movies? Movies. Movies. Parathe or bread? Parathe, yaar. Bread. Eh? Yeah, I love. I don't like parathe. You like dark lipstick or nude? Mere to lips hi nahi hai. Better I put some dark lipstick. Imagine if I... Wear like a muted tone. पता है ना? ऐसे लग मुझे ऐसा लग रहा है खुशा की आत्मा मुझ में आ गई. हाँ ये क्या हो गया? बस इनका मेटाबॉलिज्म मुझ में आ जाता है. कैसे भी करके अगर आप ये कर रहे हो आदान प्रदान, तो सबसे पहले इनका जिस तरह ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी इनको भी रखें और हमको भी दे दें. I am talking to an actual god right now. You want lassi? You have gluten free vegan lassi. Gluten free नहीं होता है. ये लोग बोलने में क्या जा रहे हैं? Lacto free होता है. आप किसी को बोलोगे हम आपके लिए gluten free vegan lassi लाए, वो आपको आगे से question नहीं करेंगे. वो कहेंगे healthy पी रहे हैं. मैंने अभी लखनऊ में sugar free lassi पी है यार. It was insane. I was like sugar free तो बहुत common है. पर लखनऊ में sugar free lassi, sorry. लखनऊ is not out of India. I agree. But ऐसे बहुत ही simple सी shop पे sugar free lassi मिल रही है. I was like बताओ. बात हम मेकअप की कर रहे हैं. सॉरी. हाँ अच्छा सॉरी. न्यूड लिपस्टिक. न्यूड ये ऐसे ही होता है हमारे साथ. हम पता नहीं कहाँ चले. न्यूड मेरा न्यूड है. मेरा शायद कलर है. अच्छा ठीक है. डार्क भी नहीं कह रही हूँ, कलर कह रही. थोड़ा सा कलर, डार्क भी नहीं. ओके फाइनली लेट्स टॉक अबाउट अ क्विक फिक्स. अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट है मेकअप करने के लिए, व्हाट्स गोइंग टू बी योर क्विक फिक्स? मैं जाऊंगी नहीं इवेंट. अरे बाढ़ में जाए 5 मिनट में कुछ. तुम जाओ 5 मिनट मैं आऊंगी कभी नहीं. ओह गॉड, मुझे अपना क्वेश्चन बदलना है. आपके पास 5 मिनट है मेकअप उतारने के लिए, तो आप पहले मैं तेल से निकालती हूँ. फिर मैं डायरी पेन लाओ. ये पता है एक मिसलर मिसलर वाटर से अच्छा क्लीन करती हूँ. फिर मैं ईयरबड्स लेती हूँ. फिर आंखों के अंदर क्लीन करती हूँ. She's gone. It's the chole bhatura. I'm telling you. बहुत ब्रेक्स के साथ बताया. एक ऑयल. हाँ. फिर सिंगापुर से आ रहे हैं या आपका कहाँ से आ रहे हैं वाला, या स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं? ये हम वार्तालाप करेंगे एपिसोड के बाद. आई एम लविंग दिस. आप दोनों की जो केमिस्ट्री है मैं जानना चाहूंगी. जब आप पहली बार मिली थी तब भी ऐसे ही धूम मचाई थी? देखिए पहली बार जब मैं इनसे मिली थी मैंने ऐसे देखा था. अरे मैम बिग फैन. इट्स ट्रू. मैं आपके यहाँ तक इनके एल्बो तक आती हूँ एक्चुअली. अगर आप देखिए तो हम खड़े होते हैं अभी हम कर रहे थे.
अरे मैम आप तो सच्ची में जैसी दिखती है वैसी दिखती है। मैंने पहली बार इनसे फिल्म के लिए नहीं मिली हूँ मैं इनसे। हाँ। पहले हमने एक प्रमोशनल वीडियो करी थी, इनका एक शो था उसके लिए प्रमोशनल वीडियो की थी हमने। अच्छा। तब भी हमें बहुत मजा आया था, हमने एक स्क्रिप्टेड किया था, एक इम्प्रोव किया था। Hmm. और फिर मैंने इनके साथ एक बिल्ली मासी का कैरेक्टर किया था। अरे यार क्या कमाल करती है, इतना मजा आया था, मैं इतना हंसी हूं, बहुत हंसे थे। लाफ लाइंस आ गए मेरे, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। लेकिन आप मुझसे यंग दिखते हो, आपको पता है ना ये बात का, हमारे टीजर के कमेंट्स में आया और मैंने लिखा है हाँ बता दो कैसे फिक्स करना है इसको। ये कमेंट कर रहा है, इट्स ट्रू। तुम हर कमेंट पढ़ते हो? मैं तो आप नहीं पढ़ते कमेंट्स? नहीं, आप कमेंट्स नहीं पढ़ते? कभी कभी। हाँ कभी कभी मैं तो पढ़ती हूँ। मैं, मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी सोशल मीडिया ऑल्सो बिकम्स अ लिटिल मीन, और मुझे ऐसे लगता है कि हमने उनको इंक्लूड तो कर लिया है अपनी जिंदगी में, आई लव देम, और ये मेरा तरीका है थोड़ा सा प्यार और इंक्लूसिव होने का। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता है वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं, तो मैं इग्नोर करना पसंद करती हूँ इन लोगों को। जो प्यार देते हैं उनको बहुत सारा प्यार वापस देना चाहूँगी। I agree. बट जिन्होंने कहा है कि मुझसे यंग दिख रही है, I agree with you. How much does it affect you? आप लोग seriously लेते हैं? I don't, because there's a very famous saying, when you become or when you're in the public eye, you shouldn't complain and you shouldn't explain. And that's my life's mantra, and I live by that. क्या हो गया? I'm noting it down. नेक्स्ट इंटरव्यू में बोलेगी। तो आई मैंने रियलाइज किया काफी सारी चीजें, हमने बहुत सारे इंटरव्यू साथ में किए, मैं कहीं पीछे खड़ी थी, सडनली मुझे ऐसा लगा कि ये लाइन कहीं सुना हुआ है। मैंने रियलाइज किया इससे पहले दो वाले इंटरव्यू में मैंने वही लाइन बोली थी। क्या थी वो लाइन बता दे। एक तो ये नहीं है वैसे, कंट्रोल ऑन योर ब्रेथ एंड यू हैव कंट्रोल ऑन योर लाइफ। मैंने कहा यार ये तो मेरी लाइन है। देखिए मैं पहली बार इतने सारे इंटरव्यूज दे रही हूं ना, आई हैव रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं, आई हैव नो विजडम टू गिव एंड आई एम नॉट विजडमस। विजडम इज सो आई एम वाइज बेबी वाइज। आई थिंक तीन चार लिखनी है तो मैं बोल दूंगी एकदम में सेम इन पब्लिक आए। अभी कितना यू कांट कंप्लेन, यू डोंट कंप्लेन and you don't explain. You shouldn't complain and you shouldn't explain. It's all part and parcel. You have to accept, live in that moment and move on. बचपन में कोई पूछता था बड़े होकर क्या बनना है, so what was your answer back then? Doctor. Really? मम्मी ने बोला था डॉक्टर बनना है। आपका क्या था? My father was a pilot, God bless his soul. He loved flying, so he wanted to obviously make me into a pilot. तो काफी टाइम तक मैंने उनके ड्रीम को सच करना चाहा, लेकिन आई थिंक प्लान ये था कि मैं कॉमर्स कर रही थी, मैं 17 साल की थी एंड आई वाज गोइंग टू टेक ओवर डैड्स बिजनेस एंड हाँ वी वर इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मेकिंग पिल्फर प्रूफ कैप्स और मेडिसिन बॉटल्स। मुझे लगा बस बैठ के यही काम करना पड़ेगा, मुझे बहुत ही बोरिंग सा जॉब था। और डैडी ने हमको वैडिंग मशीन पे पहले बिठाया कि भैया पहले यहाँ से सीखो, तो वैड्स आते हैं ना कैप के अंदर, मेडिसिन बॉटल के कैप के अंदर, कॉक के, इस डर से कि आई शुड नॉट गेट बोर्ड विद व्हाट आई एम डूइंग, आई थिंक आई बिकेम एन एक्टर, इट वाज अ बेटर चॉइस। बट यू वर आल्सो क्वाइट एन एथलीट ना, आई स्पोक टू विद्या बालन, डू यू रिमेंबर यू एंड विद्या हैव प्लेड बास्केटबॉल टुगेदर? रियली? शी मेंशन्ड नो हर सिस्टर Her sister was. No, she mentioned she's played with you. One day she came to play and then she said, "Mujhse nahi hoga." Yeah, so I think we went to the same school. Yeah, St. Anthony's. I think I was 2 years older than her or three years older than her. Yeah. And I was into volleyball. So I played right up to, I did Bombay Zone. I represented Bombay District 5 times. Wow. I nearly got selected for the nationals. I wanted to become a volleyball coach. Coach. 70 मिनट है आपके पास। Nice. आप लोग अपनी mental health के लिए क्या करते हैं? Do you all do anything specific? Do you all have a routine, meditation, exercise? मैं तो रोज routine भी थोड़ा सा रो लेती हूँ। फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। It's normal. I think a lot of people in the comments will agree with me. Rona is normal and it makes you feel lighter. Yeah, crying is normal. Yeah. Crying is good, but I think you have to थोड़ा सा डीट बनना जरूरी है। खुद के लिए। एंड मेरी मम्मी, जैसे मैंने पहले भी एनालॉजी दी थी उनकी, अगर आप
एलिफेंट है और कोई आपको कुत्ता बुलाता है, आप कुत्ते थोड़ी बन जाएंगे. तो आपको अपनी सच्चाई और अपनी ट्रूथ को पहचानना और जानना बहुत जरूरी है. ये मैंने आज एक इंटरव्यू में यूज किया है ये भी. और मैंने बोला कि मेरी मम्मी ने बोला है. सो आई थिंक आवर मदर्स विल सॉर्ट इट आउट बिटवीन देम. I'm sorry. No comments. My mother will be sending a formal apology to your mother. But I'm not talking only about comments. Yeah. I feel like as women, when we are multitasking and doing so many things, even in our family, sometimes, yes. despite doing everything, ऐसा होता है जहाँ बच्चे कुछ बोल लेते हैं, बड़े कुछ बोल लेते हैं. And that hurts, right? And that stays with you. And I'm talking about average yeah. Indian woman. Of course, of course. And even in the film Sukhi, we saw that there's this woman who's really doing all her responsibilities. But the only time she actually feels liberated, when she goes out with her friends. Absolutely. And she gets the feeling that, hey, what do you need to do a break? What do you need to do? What do you need to do? This is what I mean. Everyone thinks that this is their jan-siddh adhikar. That they have to do this work for their mother. करना ही है ये इनकी ड्यूटी है और एंड इट्स द मोस्ट थैंकलेस जॉब आई थिंक टू बी अ मदर रियली स्पेशली टू ऑल द किड्स आउट देयर इन दिस जेनरेशन व्हाइल पेरेंट्स डू सो मच फॉर यू अनकंडीशनली आई थिंक इट्स यू नो इट्स जस्ट बेसिक कर्टेसी टू समटाइम्स एक्नॉलेज इवन इफ यू डोंट थैंक बट एक्नॉलेज यू नो इट मेक देम सो हैप्पी स्पेशली योर मदर्स. तुमको इससे ब्रेक क्यों चाहिए घर पे बैठे बैठे तुम करती क्या हो. ये बहुत कॉमन चीज है यू नो ये हर घर की कहानी है जो अगर आप बाहर जा रहे हैं काम कर रहे हैं यू आर द ब्रेडविनर समटाइम्स इन योर फैमिली आपको फिर भी घर पे आके वो ड्यूटीज रिज्यूम करनी पड़ती है. सो देयर इज नो यू आर नेवर ऑफ ड्यूटी. वो जोक नहीं होता ऐसे मम्मी कहती मम्मी बहुत बार कहती ना मैंने घर छोड़ के चले जाना है मैं चली जाऊंगी ऐसे. मेरी मम्मी जब बचपन में गुस्सा होती थी ना तो वो एक्चुअली पार्क में जाके बैठ जाती थी या मंदिर में जाके बैठ जाती थी. हाँ लाइक एंड यू नो आई हैव सीन इट्स वेरी कॉमन बिकॉज़ आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ माय अदर फ्रेंड्स एंड देयर मॉम्स आल्सो यूज्ड टू डू दैट कि अगर गुस्सा हुई है तो कूल ऑफ करने के लिए वॉक पे चली गई या बाहर चली गई तो मम्मियाँ मजाक करती है ना कि मैं चली जाऊंगी. तो इस फिल्म में एक्चुअली जब मम्मी चली गई तो आई थिंक दैट उसके बाद क्या होता है व्हाट गोज डाउन आई थिंक दैट इज सो एक्साइटिंग टू एक्चुअली वॉच. व्हेन आई आल्सो वॉच्ड द फिल्म आई वाज लाइक ओह माय गॉड आई नीड टू कॉल माय मदर इमीडिएटली लाइक अपोलॉजीज आर इन ऑर्डर. इट्स ओके टू लिव अ लिटिल यू नो जियो यार एक ही जिंदगी है स्वस्थ रहो मस्त रहो. वाह ये भी मेरी लाइन है यूज मत कर लेना कहीं. In my case, I'm very fortunate that Raj is someone who's also a very hands-on father. So, especially when I had my second daughter, it is not humanly possible to be working 14 hours and coming back and also looking into your children's homework and making sure that, you know, the right thing is done at the right time. You know, I've read this line, the biggest career decision you will take is to choose the right man. Absolutely. Absolutely. And I think not just that, also when you have children, you need the right man to have your, you know, child with. बहुत सीरियस बातें हो गई. अभी डिजर्ट खाना है. Let's begin. Let's do it. Oh, जलता हुआ चॉकलेट सॉस. जलता हुआ साज हूँ मैं. I like a little sour sweet. Really? What yeah. is that? I don't know if you guys remember. It used to be a twister and it used to be sour. I love lemonade. It's the thing. My son loves flavors like that. Yeah. I just don't get it.